हिमाचल के सोलन में पीएम मोदी का बड़ा प्रहार, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की गारंटी, हिमाचल की अनदेखी का भी आरोप लगाया। सरकारों में आकर सिर्फ सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं ये लोग, खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। अमृतसर में डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भी किया दौरा। हिमाचल चुनाव में नड्डा का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, बिलासपुर की रैली में बोले, डबल इंजन की सरकार से तेज हुआ विकास। इस डबल इंजन की सरकार को संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 1,00,000 नौकरी और महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का किया वादा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत, बोले टीम वर्क से कोरोना पर पा सके काबू। अमृतसर में सुधीर सूरी मर्डर केस के आरोपी संदीप को 7 दिन के पुलिस रिमांड, एनआईए ने भी शुरू की मामले की जांच, भगवंत मान बोले जांच जारी है, गोली चलाने वाला आरोपी पकड़ा गया। वो राउंड अप हो गया है जो जिसने गोलियां चलाई थी, अभी जांच जो है वो शुरुआत की प्रक्रिया में है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में बदलाव के ड्राफ्ट की आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने की तारीफ, फैसले को भारत के ओलंपिक अभियान में बताया बेहद अहम। 34 साल के हुए विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के बीच मेलबर्न स्टेडियम में काटा केक, फैंस से बोले टी20 वर्ल्ड कप जीत कर काटेंगे बड़ा केक। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।